है। कि भाई ये अल्लाह अल्लाह, तो उसने ठीक ही कहा कि अगर अल्लाह की जगह जो है अगर शंभू बाबा निकल गए तब क्या करोगे। वो एक कह रहा है ना कि 1% चांस है मान लो कि अल्लाह हो जाएगा, तो वो सच वाला भी ठीक ही कह रहा है कि ठीक है मान लिए 1% चांस कि तुम्हारे अल्लाह हो सकता है, लेकिन बाकी परसेंट में तो इसका भी तो चांस है कि शंभू निकल जाएंगे, तब क्या करोगे। तो ये तो संभावना की बात है, कयास लगाने की बात है, लेकिन पुख्ता की यही है। इसके लिए तो आपको प्रमाण देना पड़ता है, कुछ भी चीज़ है तो प्रमाण देना पड़ता है, और वही जो चीज़ प्रमाणित होती है उसी की ही आयु होती है वास्तविक, वही असल बाकी बात तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। खाली कहानियों के बल पर जो धर्म स्थापित है वो तो वो खत्म झूठी झूठी कहानियाँ अगर मान लीजिए आपकी हैं तो कब तक चलेंगी, फिर वो हंसी का पात्र बन जाएंगे। झूठी झूठी कहानियाँ जो है हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो अल्लाह और ईश्वर जो है वो एक ही नहीं ना है, अल्लाह का सिद्धांत अलग है, ईश्वर का सिद्धांत अलग है, वो एक ही चीज़ कैसे कह देगा। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं एक ही है, ये दोनों तो खुदा ही ना है, तो दोनों कैसे खुदा होंगे। अल्लाह की खुदाई सिद्धि नहीं होती है, ईश्वर की सिद्ध होती है, तर्क के बल पर भी और प्रयोग के बल पर भी, दोनों बल पर। हाँ, प्रयोग जो है अंदरूनी होगा, बस इतनी सी बात है, बाहरी प्रयोग संभव नहीं है, बाहरी प्रयोग के द्वारा प्रमाणित नहीं है, अंदरूनी प्रयोग द्वारा प्रमाणित है और बाहरी तर्कों के द्वारा प्रमाणित हो सकता है। ईश्वर को प्रमाणित किया जा सकता है तर्कों के द्वारा, क्योंकि ईश्वर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही पूरा जो अस्तित्व है अनंत सिद्ध होता है, और उसी अनंत को ईश्वर शब्द दिया गया, कोई और तो दिया नहीं गया। और अनंत शब्द जो है वह विज्ञान से भी सिद्ध होता है, या अस्तित्व अनंत है या विज्ञान से भी सिद्ध होता है, बस उसी अनंत को पहले के ऋषि मुनि जो है ईश्वर कहते थे, बात इतनी सी है। अब विज्ञान जो है अभी तक साकार को ही मान रहा है, लेकिन जो अनंत कहने वाले हैं वे लोग निराकार को भी माने हैं, तो निराकार तत्व तो भी शामिल होगा इसमें। विज्ञान एक स्टेज पर आएगा, ऐसे समय पर आएगा जबकि विज्ञान भी मानेगा कि नहीं कुछ ऐसे तत्व तो अवश्य ही है जिसको कि हम लोग आकार में नहीं ला सकते, आकार के पैमाने पर जिसको हम लोग खड़ा नहीं कर सकते। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन यह जो अनंत है वो निराकार अपने आप सिद्ध हो जाएगा, और ये मैथमेटिक्स से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो संख्याएं हैं छोटी से छोटी छोटी से छोटी जो संख्याएं हैं तो इसकी जो श्रृंखला है आप अंत नहीं कर सकते। और आकार का मतलब तो यही ना हो गया कि जिसको जिसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो इतनी सूक्ष्म हो जाए कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो सकती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए तो कम से कम रेखा चाहिए ना, छोटी से छोटी रेखा भी तो चाहिए, तभी तो लंबाई चौड़ाई बनेगी। अब कोई चीज़ बिंदु से भी छोटी हो जाएगी तो कहाँ से लंबाई चौड़ाई बनेगी उसकी, नहीं बनेगी। तो वैसे में तो जो है उसका अस्तित्व तो सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन वह लंबाई चौड़ाई सिद्ध नहीं होगी। तो यानी ऐसे भी तत्व तो हो सकते हैं जो कि आकार के दायरे में नहीं हों, हाँ, जो कि इसी अनंत अस्तित्व का हिस्सा हैं लेकिन आकार के दायरे में नहीं आएंगे। तो ऐसी जब स्थिति, जिस दिन विज्ञान इसको खोज लेगा उस दिन जो है निराकार भी सिद्ध हो जाता है। लॉजिक से तो निराकार सिद्ध होता है, लेकिन बाहरी प्रयोगों के द्वारा जो सिद्ध होना है वह एक बात, दूसरी है वह अभी सिद्ध नहीं है। तो मान लीजिए अभी विज्ञान नहीं मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है नहीं मान रहा है, लेकिन जो अनुभूत किया है तो अपने अंदर का तो विज्ञान तो है ना, अपने अंदरूनी विज्ञान से तो वह मान रहा है ना, उस महसूस कर लिया है ना वो व्यक्ति, तो वह व्यक्ति उसके लिए तो वह प्रमाण हो ही नहीं गया, भले अन्य के लिए वह प्रमाण ना हो, तो बात इतनी है। लेकिन जैसे जैसे चेतना के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, तो साकार से अलग अस्तित्व भी कुछ कुछ सामने में आ रहा है। इसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो वह तो इलेक्ट्रॉन के जीरो पोजीशन की बात, और जब इलेक्ट्रॉन जीरो पर होगा, जीरो पोजीशन पर, तो
उसकी स्पीड इनफाइनाइट बतला रहे हैं, और अगर उसकी स्पीड जीरो कर दी जाए तो पोजीशन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जीरो और इन्फिनिटी की बात तो विज्ञान ने शुरू कर दिया करने, और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, स्वयं आइंस्टीन भी स्पिनोजा के सिद्धांत को मानते थे जिसमें कि अस्तित्व को इनफिनाइट बताया गया था। तो अब मल्टीवर्सेस भी सिद्ध हो रहे हैं, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा मल्टीवर्सेस सिद्ध हो रहे हैं। मल्टीवर्सेस का मतलब हो गया कि यूनिवर्स का फिर अंत नहीं होगा, कितने वर्सेस हैं इनकी गिनती नहीं होगी। तो जब अनंत होगा तो फिर अनंत को आप आकार में नहीं कैद कर सकते, तो फिर निराकारत्व जो है सिद्ध हो जाता है, और इस निराकारत्व से वह ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है। बहुत आसान सी बात है, और यह सिर्फ एक्सपेंशन में ही, सिर्फ बाहरी फैलाव में ही नहीं अनंत होगा, जब भी अनंत होगा तो अपने सूक्ष्मता में भी अनंत होगा, यानी विभाजन करके भी हम उसका अंत नहीं कर सकते। जहाँ तक हम पहुँचे हैं हम यह नहीं कह सकते कि यही फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको भी हम आज फंडामेंटल समझते हैं, मौलिक तत्व समझते हैं, वह मूल तत्व कोई ज़रूरी नहीं है कि वह हो, क्योंकि जब हम उसके आकार तक अभी गए हैं तो वह मूल तत्व नहीं है, वह अभी किसी से बना हुआ है। वह किससे बना हुआ है उसको खोजने में, उसको तोड़ने में हम लोग को समय लगेगा, लेकिन हमें और सूक्ष्म से सूक्ष्म कण मिलते चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम तरंगों में आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे कण और तरंगों दोनों से हम उपराम हो जाएंगे, और फिर वो अपनी सूक्ष्मता में भी अनंत हो जाएगा, अंतहीन हो जाएगा, तो निराकारत्व वहाँ भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ईश्वर प्रमाणित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, विज्ञान उसी और ही लगभग बढ़ चुका है, लगभग वहाँ पहुँच चुका है उस अर्थ में कि कम से कम हाइपोथेसिस के माध्यम से भी सिद्ध हो जाए, जब तक थ्योरी नहीं होती है तब तक भी।